बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जब सेल्स बना लेते हैं एक कस्टमर की, उसके बाद आप जब रिकवरी लेने जाते हैं तो आप कौन सी रिपोर्ट जो है वो लेके जाएंगे साथ जिस पे आप रिकवरी लेंगे। ठीक है, तो वो होती है मार्केट की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, जिसमें आपको पता लगता है कि आपका मार्केट में कितना बैलेंस है इस सेल्समैन का और उस किस किस कस्टमर का कितना कितना बैलेंस है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट को देखने के लिए हम करेंगे सॉफ्टवेयर को ओपन, यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे यहाँ पे हम इसको। सॉफ्टवेयर लॉगिन होने के बाद आपने रिपोर्ट्स के लिए लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे छोटा सा आइकन है हमारा, इसमें सारी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। अभी हम सबको नहीं देखेंगे क्योंकि हमने वन बाई वन वीडियो बनानी है हर रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी आउटस्टैंडिंग देखने के लिए हम ये मार्केट आउटस्टैंडिंग सिंपल के नाम से एक रिपोर्ट है, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इससे मैं क्लिक करता हूँ। आप इसमें देखें क्या आ रहा है, ऊपर आ जाता है आपका सिटी एरिया, सिटी एरिया, सिटी एरिया। ठीक है, उसके अंदर जितने भी कस्टमर्स होते हैं आपके वो आ जाते हैं, यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाता है, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, आज की डेट में अगर यहाँ पे कोई सेल बनी है तो आपको नजर आ जाती है यहाँ पे, आज की डेट में कोई रिटर्न बनी है वो आ जाती है। ठीक है, और आज की डेट में कोई रिकवरी है तो वो आती है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं बना उसके बाद आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आता है, ये आपका बैलेंस होता है रिसीवेबल। अभी हमने यहाँ पे कोई भी सेल्समैन सिलेक्ट नहीं किया, एम्प्लॉय सिलेक्ट नहीं किया, तो ये सब का आ रहा है। ठीक है, सब ऑर्डर बुकर्स का यहाँ पे आ रहा है बैलेंस ये वाला। अभी अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इमरान को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अप्लाई करते हैं हम। अब ये सिर्फ इमरान का आ रहा है, 326,122। ठीक है, अब मैं इमरान को डिसलेक्ट करता हूँ और जुलकरनैन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई करूंगा। अब ये 26,166 रुपये सिर्फ जुलकरनैन का आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप सबका भी इकट्ठा देख सकते हैं कि पूरी आपके पूरे बिजनेस का मार्केट में कितना बैलेंस है। ठीक है, तो ये जब आप रिपोर्ट निकालते हैं यहाँ से प्रिंट करते हैं, ये प्रिंटर का बटन है, इसको दबाएंगे, प्रिंट करेंगे तो ये रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी आपके पास। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे डेट भी दे सकते हैं। अगर लेट से मैं डेट थोड़ी सी पीछे करता हूँ, इस रिपोर्ट के जो और फंक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं तो थोड़ा सा पीछे करता हूँ, मैं कहता हूँ 01 कर लेते हैं हम यहाँ पे, और ये 29 ही रहेगा नीचे। डेट फ्रॉम में हमने 1 मई कर लिया और डेट टू में 29 मई कर लिया। अप्लाई जब करेंगे तो ये देखें आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि 1 मई को इमरान अगर हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ओके, अप्लाई करते हैं दोबारा से, 1 मई को इसका इतना बैलेंस था। ठीक है, इमरान का मार्केट में 20,000 का बैलेंस था, इस कस्टमर का था ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, 1 मई के बाद इतनी इतनी सेल हुई है इस बंदे की, इस इमरान के नाम पे इस कस्टमर कितनी सेल हुई है, इस कस्टमर कितनी सेल हुई है, इमरान के नाम पे ग्रीन फील्ड का जो रिटर्न आई है वो इतनी आई है, और अब उसका क्लोजिंग बैलेंस इतना हो गया है। ठीक है, तो इसकी रिकवरी हमने किसी की भी नहीं डाली हुई, तो इसलिए यहाँ पे रिकवरी नहीं आ रही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम रिकवरी का बताएंगे कैसे ऐड करनी है, वो रिकवरी के बाद दोबारा हम ये रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास रिकवरी भी लिखी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए ये सिंपल सी रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा आ रहा है कि पास के इतना ओपनिंग बैलेंस था, इतना आपने सेल की है, इतनी रिटर्न हो गई है, और इतनी जो है वो आपका अभी क्लोजिंग बैलेंस है मार्केट का। ठीक है, तो ये आप रिपोर्ट प्रिंट करके लेके जाते हैं, आपका लड़का लेके जाता है, वो यहाँ पे रिकवरी डाल लेता है। ठीक है, जो भी वहां से रिसीव करेगा रिकवरी यहाँ पे लिख के ले आएगा, वापस आके सिस्टम से रिकवरी डाल सकता है। अच्छा, इसमें सिटी एरिया का फिल्टर भी होता है, एम्प्लॉय का फिल्टर तो आपने देख लिया, सेल्समैन का, सिटी का फिल्टर भी होता है कि किस सिटी के आपने निकालनी है रिपोर्ट। ठीक है, सिटी सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एरियाज भी आ जाते हैं कि मल्टीपल एरियाज भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो जो एरिया सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी की रिपोर्ट निकल आएगी आपके पास। ठीक है, अब मैंने बड़की जदीद सिलेक्ट किया तो सिर्फ बड़की जदीद के एरियाज के जितने कस्टमर होंगे उनके निकलेगी। मैं कहता हूँ बड़की जदीद प्लस मुझे रेलवे रोड दे दो, ओके, ये बड़की जदीद के कस्टमर्स आ गए, ये रेलवे रोड के कस्टमर्स आ गए। ठीक है, तो इसके बाद नीचे डेट का फिल्टर मैंने आपको दिखा दिया, कस्टमर क्लास होती है, अगर आप होलसेलर का देखना चाह रहे हैं या रिटेलर का देखना चाह रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं, सिर्फ उनका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। फिर आप इसी बैलेंस को एटीएम पे जो छोटा प्रिंटर होता है उस पर भी प्रिंट कर सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं इसके अंदर वो हम जब रिपोर्ट्स बाकी देखेंगे मार्केट आउटस्टैंडिंग की, क्योंकि हमारे पास काफी सारे वर्जन है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के, ये आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये 10 तक जाते हैं, अभी कुछ ऑन है कुछ ऑफ है, तो ये हर रिपोर्ट के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम दिखाएंगे कौन कौन सा फिल्टर आप यूज कर सकते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिंपल रिपोर्ट यूज करेंगे ये वाली, इसमें आप अपना मार्केट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देख लेंगे, ये प्रिंट करके अपने लड़के को देंगे, वो जाएगा वहां पे उनसे रिकवरीज लेगा, यहाँ पे लिख के ले आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप जब रिकवरी लेके आते हैं तो उसको कैसे आप सिस्टम के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।